अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के 86 में। रुख करते हैं बिहार की तरफ। बिहार बेलेट्रॉन डीईओ की तैयारी कर रहे उन सभी अभ्यर्थियों को मैं बताना चाहता हूं कि उनको यहां से कंप्यूटर के क्यूज दिए जा रहे हैं आपको सिलेबस वाइज, और आपको ये सिलेबस कंप्लीट करा के दिया जाएगा आपके एग्जाम से पहले। अब सबसे बड़ी सूचना है यहां पे आपके लिए कि ये सिलेबस कंप्लीट होगा कैसे। एक वीडियो रोज देने से शायद नहीं हो पाएगा और 50 क्वेश्चन देने से शायद नहीं हो पाएगा, इसलिए आपको कल से ये आज का वीडियो अटेंड कीजिएगा जरूर इस क्यूज को। यहाँ पे 25 क्वेश्चन दिए गए हैं, लेकिन कल से आपको 50-50 क्वेश्चन का सेट तीन वीडियो दिए जाएंगे, ठीक है। उन तीनों वीडियोस का टाइम है सुबह के 10 बजे, अटेंड करना ना भूलेंगे, टाइम नोट कर लीजिएगा। दोपहर के 2:30 बजे दूसरा वीडियो पब्लिश कर दिया जाएगा, और शाम को 6 बजे जो कि तीसरा वीडियो आपको जाएगा। इन तीनों वीडियोज़ में और ये दो वीडियोज़ मिलाकर 6ठा और 7वां ऑपरेटिंग सिस्टम का पूरा सिलेबस समाप्त हो जाएगा। एक चैप्टर आपको और दिया जाएगा, वीडियो और दिया जाएगा जो कि 11 नंबर का होगा, और वो 11 नंबर का वीडियो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का सारा यहाँ पे कंक्लूजन होगा। तो ये वीडियोस को देखते रहिए लगातार, आप हमारे साथ बने हुए हैं तो। और अभी थोड़ा सा रात हो गया है, माफ़ कीजिएगा, इंटरनेट का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है हमारे यहाँ पे, तो आप तक ये वीडियो आज शेयर होने में विलंब हुई है, इसलिए क्षमा चाहते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं क्यूज़ का। ऑपरेटिंग सिस्टम का 200 से भी ज़्यादा प्रश्न आपके पास मैं पहुँचा दूंगा कल शाम तक। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं इसका, इस वीडियो का। यहाँ पे 25 क्वेश्चन है और कुछ एब्रीवेशन है, तो मिला के यहाँ पे करीब आपके 50 से भी ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए यहाँ पे टॉप 50 एमसीक्यूज लिखे गए हैं। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। और जो भी मेरे भाई बंधु यहाँ चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल पे जाएं, सब्सक्राइब के इस रेड कलर के बटन को दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से जा सके। और सभी वीडियोस देखने के लिए आप हमारा बेलेट्रॉन का प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां पे प्लेलिस्ट बना हुआ है, उन वीडियोस को देखिए, अटेंड कीजिए आप लोग, ठीक है। चलिए इसका पीडीएफ हम आपको YT एजुकेशन की 86 के टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर देंगे, तो टेलीग्राम चैनल भी हमारा ज्वाइन कर लीजिएगा। पहला प्रश्न कहता है दोस्तों, प्रोसेस इज, व्हाट इज प्रोसेस, है ना। चलिए आंसर कीजिएगा, यहाँ नीचे कमेंट बॉक्स में अपने आंसर कमेंट करते रहिए। मैं क्यूज को बहुत ही जल्द खत्म कर दूंगा, क्योंकि रात हो चुका है, मुझे पता है ये वीडियो बहुत लोग नहीं देख पाएंगे, लेकिन कल सुबह 10 बजे ये वीडियोज के माध्यम से अगर आप लोग देख रहे हैं तो कल सुबह 10 बजे जरूर आप लोग सभी वीडियोज देखेंगे, ओके। आंसर यहाँ पे दोस्तों होगा, इट्स अ सी, अ प्रोग्राम इज इन एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड अ प्रोसेस, ध्यान रखिएगा। फॉर्क क्या होता है दोस्तों, व्हाट इज फॉर्क, चलिए आंसर कीजिएगा, व्हाट इज फॉर्क, ऑपरेटिंग सिस्टम में फॉर्क का क्या मतलब है। द क्रिएशन ऑफ न्यू प्रोसेस इज कॉल्ड फॉर्क, जी हाँ, एक नया प्रोसेस जो कि किसका, तो किसी भी चीज को बनाने के लिए, उसको हम लोग फॉर्क कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, कल ही क्वेश्चन बताया हूं मैं, ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन, यहां पर आंसर कीजिएगा आप लोग, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन आंसर कीजिएगा दोस्तों, व्हाट इज इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, आंसर होगा इट्स अ डी, अलाउ द प्रोसेस टू सिंक्रोनाइज एक्टिविटी, जी हाँ, ये अलाउ करता है आपके प्रोसेस को किसमें, सिंक्रोनाइज होने में, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहां पे, क्वेश्चन नंबर 4, विच इज अ लार्ज कर्नल, देखिए कर्नल के बारे में मैंने आपको कल डिटेल बताया, 6ठा वीडियो देखिएगा, 6ठा वीडियो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम से इंपॉर्टेंट है। विच इज द लार्ज कर्नल इंक्लूडिंग द शेड्यूलिंग फाइल सिस्टम नेटवर्किंग डिवाइस ड्राइव मेमोरी मैनेजमेंट एंड मोर, आंसर कीजिएगा दोस्तों, इट्स अ मोनोलिथिक कर्नल, क्या कहते हैं इसको, मोनोलिथिक कर्नल। अगला क्वेश्चन चलिए, विथ विच ओनली, देखिए यहां पे दो फिलिंग द ब्लैंक्स दिए गए हैं, एक यहां पे और एक यहां पे, ध्यान से पूरा क्वेश्चन समझिएगा। विथ ओनली, विथ विच ओनली वन प्रोसेस कैन एग्जीक्यूट एट ए टाइम, अगर कोई एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट किया जाता है किसी टाइम पे, तो मीन वाइल ऑल अदर प्रोसेस आर वेटिंग फॉर द प्रोसेसर, यहां पे जो प्रोसेसर है वो क्या होते हैं, तो वेटिंग में होते हैं। विथ विच मोर देन द वन प्रोसेस कैन बी रनिंग द साइमल्टेनियसली इच डिफरेंट प्रोसेसर, क्वेश्चन समझ गए, यहां बताइए। अब मैं आपको इसका आंसर बता देता हूं, ठीक है, आप लोग भी कमेंट कीजिए 5 का आंसर क्या होगा। चलिए ये बहुत अच्छा उत्तर आ रहा है आप लोग का यहाँ पे, अगर इसका उत्तर सी आ रहा है, ठीक है, मल्टी प्रोग्रामिंग
और मल्टी प्रोसेसिंग इज द राइट आंसर। तो विद द मल्टी प्रोग्रामिंग ओनली वन प्रोसेस कैन बी एग्जीक्यूटेड, करना मल्टी प्रोग्रामिंग में, प्रोग्राम तो आप लोग एक ही बार कर सकते हैं, एक ही मतलब एक प्रोसेस चलेगा प्रोग्राम का तो एक ही चलेगा, ठीक है। लेकिन जब मल्टी प्रोसेसिंग होता है तो आप लोग कभी मान लो अगर चीज़ों को देखेंगे, स्टैक पढ़ेगा आप लोग, है ना, स्टैक पढ़िएगा जब, उसमें समझ में आएगा आपके इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। तो वहाँ पे स्टैक का मतलब यहाँ पे पता चलेगा आपको मल्टी प्रोसेसिंग क्या होता है एक्चुअली, ठीक है। तो यहाँ पे एक जो प्रोसेसर होता वेट में होता है, यानी वेट यानी क्या, इंतज़ार में होता है कि एक प्रोसेस खत्म होगा तो हमारा दूसरा प्रोसेस शुरू होगा, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, विच इज द एबिलिटी ऑफ द मल्टीपल प्रोसेस टू कोऑर्डिनेट देयर एक्टिविटीज बाय द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। चलिए सिक्स का आंसर कीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। विच इज द एबिलिटी ऑफ मल्टी प्रोसेस टू कोऑर्डिनेट देयर एक्टिविटीज बाय द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। तो आंसर कीजिएगा, इट्स अ सिंक्रोनाइजेशन। क्या है सिंक्रोनाइजेशन? एक ऐसी आपकी मल्टीपल प्रोसेस है जो कि कोऑर्डिनेट देयर एक्टिविटीज बाय द एक्सचेंजेस, है ना, एक्सचेंज द इंफॉर्मेशन। जब भी आप किसी चीज का, जैसे मान लीजिए आप मैसेज व्हाट्सएप पे कर रहे हैं किसी को, है ना, वहां पे एक आपका अभी कुछ हाल ही में अपडेट आया था इंक्रिप्शन और डिस्क्रिप्शन का, ठीक है, इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन का। तो उसका मतलब क्या है, आपके मैसेज जो हैं इतने ज़्यादा सिक्योर हो जाएं जब भी कोई आप इंफॉर्मेशन शेयर करें कि थर्ड पर्सन कोई इसको चुरा ना सके उस डेटा को, है ना। तो यहाँ पे सिंक्रोनाइजेशन का मतलब यहाँ पे है दोस्तों कि जब भी एक ऐसा एबिलिटी है सिंक्रोनाइजेशन कि मल्टी प्रोसेस होते हैं जिसमें कि कोऑर्डिनेट दियर एक्टिविटीज, आपके एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट किया जाता है वाइल द एक्सचेंजिंग द इंफॉर्मेशन। ओके समझ गए। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द स्टेट ऑफ फाइव स्टेट प्रोसेस मॉडल। चलिए ये आंसर कीजिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द स्टेट ऑफ फाइव स्टेट प्रोसेसेस, प्रोसेस मॉडल, प्रोसेस मॉडल का बताना है इन पांचों का कौन सा क्रम सही है। तो ये क्रम बिल्कुल सही है, आंसर आपका बी हो जाएगा, रनिंग, रेडी, न्यू और टर्मिनेट और देन डिस्ट्रॉय। ये आपका एक क्या है, स्टेट प्रोसेस मॉडल है, यह इसी अवस्था में रहेगा। तो आंसर यहाँ पे माफ कीजिएगा, ये डिस्ट्रॉय नहीं होगा, यहाँ पे ओनली फोर तक है, 1, 2, 3 and 4 ओनली, ठीक है। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट्स अ बी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, फॉलोइंग इज और आर द रीजन फॉर द प्रोसेस सस्पेंशन। सस्पेंशन का एक प्रोसेस सस्पेंशन का एक रीजन बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इजी क्वेश्चन है। तो देखिए सस्पेंशन जो है आपका दोस्तों एक स्वैपिंग पेरेंट प्रोसेस हो सकता है, इंटर रिक्वेस्टेस हो सकते हैं और टाइमिंग भी हो सकते हैं। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, प्रोसेस मैनेजमेंट फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल इंक्लूड। जल्दी से आंसर कीजिएगा, प्रोसेस मैनेजमेंट फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल इंक्लूड्स। चलिए दोस्तों नाइन्थ का भी आंसर आपका दोस्तों हो जाएगा, इट्स अ डी, ऑल ऑफ द एबव। क्या होता है, क्रिएशन ऑफ एंड टर्मिनेशन होता है आपका प्रोसेसिंग में, ठीक है, मैंने बताया। कर्नल के बारे में आपको कल ही बताया था, सिस्टम कर्नल क्या होता है, प्रोसेस शेड्यूलिंग भी होता है और डिस्पैचिंग भी होता है, ठीक है, और प्रोसेस स्विचिंग भी होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ माइक्रो कर्नल। चलिए आंसर कीजिएगा दोस्तों नीचे कमेंट बॉक्स में, माइक्रो कर्नल का एक फंक्शन नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर कीजिएगा दोस्तों, फाइल मैनेजमेंट इज नॉट अ पार्ट ऑफ फंक्शन ऑफ माइक्रो कर्नल। अगला क्वेश्चन देखिए, एक स्टेट दिया हुआ है यहाँ पे, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। पहला स्टेटमेंट है, इट टेक्स लेस देन टाइम टू टर्मिनेट द थ्रेड देन द प्रोसेस, ठीक है, बहुत कम समय लेता है टर्मिनेट करने में, कहाँ से, थ्रेड इन कंपैरिजन द प्रोसेस, ठीक है। और थ्रेड क्या होता है, आप लोग लैंग्वेज भाषा जो लैंग्वेज वाला चैप्टर पढ़ेंगे उसमें आपको समझ में आएगा। थ्रेड्स इनहेंस इफिशियंसी इन द कम्युनिकेशन बिटवीन द डिफरेंट एग्जीक्यूशन प्रोग्राम। चलिए आंसर कीजिएगा 11 का, तो देखिए यहाँ पे जो दोनों ही कथन है वो बिल्कुल सत्य है, ठीक है, एक और दो दोनों ही सत्य है। तो आंसर यहाँ पे बी ऑलरेडी इज डन। ओके अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 12,
इन अ प्रोसेस शेड्यूलिंग, इन अ प्रोसेस शेड्यूलिंग विच डिटरमाइंस व्हेन न्यू प्रोसेस आर एडमिटेड टू द सिस्टम। चलिए, जब किसी भी प्रोसेस को शेड्यूल किया जाता है तो यहाँ पे कौन सा आपका जो प्रोसेस है वो एडमिट होता है, यानी कि इंडिकेट होता है सिस्टम में। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर कीजिएगा दोस्तों। यहाँ पे आंसर होगा इट्स अ लॉन्ग टर्म शेड्यूलिंग। जी हाँ, लॉन्ग टर्म शेड्यूलिंग में ये प्रोसेस किया जाता है। ये क्वेश्चन बन सकता है व्हाट इज लॉन्ग टर्म शेड्यूलिंग, तो ये आप डेफिनेशन यहाँ पे दे सकते हैं इसका। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि फाइल मैनेजमेंट फंक्शन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम इंक्लूड। चलिए आंसर कीजिएगा दोस्तों 13 का। यहाँ पे चार ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। फाइल मैनेजमेंट फंक्शन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम इंक्लूड, तो आंसर कीजिएगा इट्स अ फाइल क्रिएशन एंड डिलीशन इज द पार्ट ऑफ फाइल मैनेजमेंट। डायरेक्टरी क्रिएशन इज द पार्ट ऑफ फाइल मैनेजमेंट फंक्शन इन ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड द इट्स अ 4, यानी कि मैपिंग फाइल इन सेकेंडरी स्टोरेज इन ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी एक फाइल मैनेजमेंट का फंक्शन है। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे, इट्स अ सी। नोट कर लीजिएगा, आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम मींस। चलिए इसका मतलब क्या होता है ये बता दीजिए। कल ही बताया था ये क्वेश्चन मैंने आपको, ये क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ प्रोग्राम, सेट ऑफ प्रोग्राम विच कंट्रोल द कंप्यूटर, ठीक है। याद रखिएगा, ये बहुत एक लाइन में सरल भाषा में इसका उत्तर है, सेट ऑफ प्रोग्राम विच कंट्रोल द कंप्यूटर। चलिए, ज्यादा ही क्वेश्चन है आज, 25 क्वेश्चन है यहाँ पे आपके लिए। कल आपका 3 वीडियो के साथ पूरा का पूरा सिलेबस समाप्त होने वाला है ऑपरेटिंग सिस्टम का, ठीक है। तो परसों हम लोग जो है एक नए चैप्टर से शुरुआत करेंगे, ठीक है। उसको भी कोशिश करेंगे 1 से 2 वीडियो में समाप्त कर देने, चूंकि ऑपरेटिंग सिस्टम एक बहुत बड़ा चैप्टर था, इसलिए यहाँ पे आपको 5 वीडियो लग गए, ठीक है। चलिए, 15वां क्वेश्चन है दोस्तों, द प्रोसेस दैट आर रेसिडिंग इन द मेन मेमोरी एंड आर वेटिंग टू द एग्जीक्यूट आर केप्ट ऑन द लिस्ट ऑफ कॉल्ड। इसको क्या कहते हैं एक्चुअली, ये प्रोसेस हो रहा है यहाँ पे, देखिएगा। एक प्रोसेस है जो कि रेसिडिंग इन द मेन मेमोरी, ये मेन मेमोरी में इसका एक आकलन किया जा रहा है, एंड आर वेटिंग, और कुछ यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं एग्जीक्यूशन का, जो कि आपका लिस्ट तैयार करके रखा गया। इस लिस्ट को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं दोस्तों रेडी क्यू, क्यों समझते ना, कतार में। चलिए अगला दोस्तों है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द एबिलिटी ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट मल्टीपल कंकरेंट पाथ ऑफ एग्जीक्यूशन विद इन अ सिंगल प्रोसेस। इसको कहते हैं दोस्तों इट्स अ डी मल्टी थ्रेडिंग। क्या कहते हैं इसको, मल्टी थ्रेडिंग। तो देखिए, क्वेश्चन आपका यहां से उल्टा भी बन सकता है। ये क्वेश्चन देखिए मैंने यहां पर डिस्क्राइब कर दिया एक तरह से, समझिए, है ना। ये क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट इज मल्टी थ्रेडिंग, एक लाइन में बनेगा, तो आप बोलोगे कि सर आपने क्वेश्चन बताया ही नहीं था। तो नहीं, आप लोगों को ध्यान से कि उसको देखना भी है, अटेंड भी करना है, आंसर भी देना है। तो मैं आपको चीजें बताता रहूंगा बीच बीच में कि दिस इज द डिफिनेशन ऑफ मल्टी थ्रेडिंग इन विच द डिस्क्राइब द एबिलिटी ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम टू सपोर्ट द मल्टीपल कंकरेंट पाथ ऑफ द एग्जीक्यूशन विद इन द सिंगल प्रोसेस। ओके, अगला क्वेश्चन, थ्रेड इज अ प्रोसेस, किस तरह का ये प्रोसेस है थ्रेड, जल्दी से आंसर कीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में। 17 का आंसर कीजिएगा दोस्तों, इट्स अ लाइट वेट प्रोसेस। थ्रेड क्या है, एक तरह का लाइट वेट प्रोसेस है, ये आप अपने डिफरेंसेस में इसको जोड़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन, विच इज द फर्स्ट प्रोग्राम रन ऑन द कंप्यूटर व्हेन द कंप्यूटर बूट्स अप। दोस्तों आपको बताना है कि जब कंप्यूटर ऑन होता है ना, बूट्स ऑन होता है यानी कि अप होता है, ऑन होता है, तो फर्स्ट प्रोग्राम जो है वो कौन सा रन होता है कंप्यूटर में, तो इसको कहते हैं दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम का जो प्रोग्राम है वो रन होता है सबसे पहले। ओके, अगला क्वेश्चन, द प्राइमरी जॉब ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ कंप्यूटर इज टू, जल्दी से आंसर कीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में, इंतजार कर रहे हैं आपके आंसर का। और आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो आंसर कीजिए, बहुत ईजी क्वेश्चन है आज के, तो है ना, और आज का क्यूज भी बहुत ईजी है। कल से आपको और मजा आने वाला है, क्योंकि कल पूरा चैप्टर समाप्त हो जाएगा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का। आंसर कीजिएगा दोस्तों, इट्स ए मैनेज रिसोर्सेज द प्राइमरी जॉब, यानी कि इसका प्रथम कार्य है जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या है, तो मैनेज रिसोर्सेज। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इन विच ऑपरेटिंग सिस्टम द रिस्पॉन्स टाइम इज वेरी क्रिटिकल। 20 का आंसर कीजिएगा, व्हेन इट इज इन द रियल टाइम, ठीक है, इट्स द रियल टाइम।
इन रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम द रिस्पॉन्स टाइम इज वेरी क्रिटिकल। ठीक है, आंसर याद रखिएगा। विच टेक्निक वॉज द इंट्रोड्यूस्ड बिकॉज अ सिंगल जॉब कुड नॉट कीप बोथ इन सीपीयू एंड द इनपुट आउटपुट डिवाइस बिजी। चलिए, यहाँ पे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये कि बोला जा रहा है कि विच टेक्निक, वो कौन सी पद्धति है, वॉज इंट्रोड्यूस बिकॉज अ सिंगल जॉब, एक सिंगल आपका जो कार्य है वो नहीं किया जा सकता है, किस में, सीपीयू में और आपके इनपुट आउटपुट डिवाइस दोनों में एक साथ, उसको कहते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग, ये नहीं किया जा सकता है, आंसर याद रखिएगा। 22, इंफॉर्मेशन अबाउट अ प्रोसेस इज मेंटेन्ड इन अ, चलिए दोस्तों आंसर कीजिएगा 22 का आंसर, इंफॉर्मेशन अबाउट अ प्रोसेस इज अ मेंटेन्ड इन द प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, नोट कर लीजिएगा। ये देखिए क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे, आंसर बहुत ही ध्यान से दीजिएगा आप लोग, यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी रहेंगे। बहुत सारे लोग यहाँ पे देखिए कमेंट कर रहे थे कि भैया जो आपका एग्जाम होगा वो हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में होगा क्या, तो बिल्कुल यहाँ पे बोथ लैंग्वेज में आपका एग्जाम हो सकता है। TCS के ये पैटर्न है दोस्तों कि दोनों ही भाषा में अभी तक एग्जाम लेती है, ठीक है, तो यहाँ भी आपका दोनों भाषा में एग्जाम होने की संभावनाएं हैं, ठीक है ना। चलिए, आज के इस वीडियो में आपका हिंदी नहीं मिलेगा, पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम में हिंदी नहीं मिलेगा, उसके लिए माफी चाहते हैं, बस मैं आपको समझा दूंगा बोल बोल के कि यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर कीजिएगा यहाँ पे आप लोग, मेन फंक्शन ऑफ शेयर्ड मेमोरी इज, चलिए तो ये होता है दोस्तों, नोट कर लीजिएगा, टू डू इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। कल मैंने एक वीडियो बताया था उसमें इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन होता क्या है इसके बारे में समझाया था, तो मेन फंक्शन ऑफ शेयर्ड मेमोरी तो टू डू द इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, ये क्या करता है, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन का कार्य करता है। आप कभी प्रोग्रामिंग करोगे ना तो कुछ इस तरह के कॉलम होंगे, इसके अंदर जितने भी आपके कॉल्स या कम्युनिकेशन की कोडिंग की रहती है उसी को यहाँ पे इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन कहा जा रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच प्रोसेस कैन बी अफेक्टेड बाई द प्रोसेस एग्जीक्यूटिंग इन द सिस्टम, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर कीजिएगा, विच प्रोसेस कैन बी अफेक्टेड बाई द प्रोसेसेस एग्जीक्यूटिंग इन द सिस्टम, आंसर कीजिएगा दोस्तों, इट्स अ जल्दी से आंसर कीजिए, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। विच प्रोसेस कैन बी अफेक्टेड बाई द अदर प्रोसेसेस एग्जीक्यूटिंग इन द सिस्टम, तो इट्स अ पेरेंट प्रोसेस, जी हाँ अफेक्टेड होते हैं, हायरार्की आपने पढ़ा होगा, ठीक है, अगर नहीं पढ़ा है तो मैं बताऊंगा आगे, अभी क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, तो आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन और आज का ये आखिरी प्रश्न है कि मैसेज सेंट बाय अ प्रोसेस तो कैन बी फिक्स्ड और अ वेरिएबल साइज, आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। तो जिन लोगों ने भी यहाँ पे उत्तर दिए हैं 25 क्वेश्चन के कितने सही किए हैं ये हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे आप लोग, ठीक है। दोस्तों आज का सिनारियो इतना ही, क्योंकि रात हो चुकी थी, मुझे पता है 12 बजे तक ये वीडियो जाएगा लेकिन आप लोगों तक पहुँच पाएगा कि नहीं पहुँच पाएगा मुझे पता नहीं यूट्यूब के माध्यम से, लेकिन कल 10 बजे पहला वीडियो जाएगा, 2:30 बजे आपका जो है दोस्तों दूसरा वीडियो जाएगा और शाम को 6 बजे आपका तीसरा वीडियो जाएगा और एक वीडियो और जाएगा जो कि आपका यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम समाप्त हो जाएगा, ठीक है। कुछ एब्रीवेशन यहाँ पे फिर मैंने आज दिए हैं, इन एब्रीवेशन को आपको पढ़ने होंगे, जैसे कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ADC, द इट्स एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, देखिए ये सारे जो आपके शॉर्ट फॉर्म है ना ये आपको याद रखने होंगे, इसका कोई उपाय नहीं है, शॉर्टकट कुछ नहीं है इसका, है ना। तो ये मैंने दे दिया है आपके PDF के साथ साथ, इसको डाउनलोड कीजिए और इसको अच्छे से याद कर जाइएगा, ठीक है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ईमेल, तो इलेक्ट्रॉनिक मेल इसको कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो आज के इस पूरे सिनारियो में आप हमारे साथ यहाँ पे क्यूज में बने रहें इसका बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में जो कि कल सुबह 10 बजे आपको मिलेगा लगातार ऐसे ही, बाय बाय।